कांग्रेस ने श्रमिक ट्रेनों को लेकर सरकार और बीजेपी पर देश के समक्ष झूठे तथ्य रखने का आरोप लगाया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल पद से इस्तीफा दे, ये भी मांग की है कांग्रेस ने, या फिर प्रधानमंत्री मोदी उन्हें हटाएं। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंह ने दावा किया कि प्रवासी श्रमिकों के साथ सरकार की तरफ से क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। श्रमिक ट्रेनों की बदहाली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अगर सरकार में थोड़ी भी शर्म है तो रेल मंत्री इस्तीफा दें या प्रधानमंत्री उन्हें अपने पद से हटाएं। सिंघवी के मुताबिक 81 लोगों की मौत की जानकारी आधिकारिक रूप से दी गई, जबकि मृतकों की संख्या कहीं ज्यादा है। और जिस आधार पर हम कहते हैं कि और तथ्य भी देने वाला हूं कि माननीय रेलवे मंत्री को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा और या उनको हटाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ये दयनीय तथ्य हैं, झूठे तथ्य बताए गए हैं और विकृत तथ्य बताए गए हैं, और सच्चाई दयनीय है। दूसरा पहलू कि हम उनसे और कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। 30 रुपया सुपरफास्ट चार्जेस, 20 रुपया खाने पीने का, ये अतिरिक्त चार्जेस है और ये प्रमाणित है, जिसको हम नोट देंगे आपको, उसमें हम लिंक भी देंगे आपको, तो इतना बड़ा झूठ कैसे कहा जा सकता है। कांग्रेस ने श्रमिक रेल में किराए में 85% केंद्रीय मदद को झूठा प्रचार करार दिया। सिंघवी के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि श्रमिक ट्रेनों का 100% किराया संबंधित राज्यों की ओर से दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार गलत प्रचार किया गया। उन्होंने कहा कि झूठे तथ्य रखे गए। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर महिला की मौत के मामले में उनके परिवार ने ही सरकार की तरफ से किए गए इस दावे को खारिज किया कि वो पहले से बीमार चल रही थी। या तो कि भारतीय रेलवे मुफ्त में ये सर्विस दे रही है, और या 85% यात्रा की कीमत सब्सिडाइज्ड है, ये आपको अलग अलग समय पे रेलवे मंत्री ने, INB मंत्री ने, वित्त मंत्री ने, मिस्टर संतोष, बीएल संतोष ने, संबित पात्रा ने, कई नाम और हैं, ये कहा है, ये छापे हुए हैं, प्रकाशित हैं। अब आप ये सोचिए कि आपको कहना कि 85% तक सब्सिडाइज है या मुफ्त है, इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? इससे बड़ा मिथ्या प्रचार कुछ हो सकता है? और ये विकृतपना क्यों? ये तो अब ठोस रूप से प्रमाणित हो गया है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में जहाँ की न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं, जहाँ की कोई स्कोप नहीं है झूठ बोलने का, वहां बताया गया है कि 100% इस यात्रा का कीमत या तो भेजने वाला प्रदेश या जिस प्रदेश पे वो जा रहे हैं वो विक्रय करता है, उसके ऊपर भार होता है। 100% सेंडिंग स्टेट और रिसीविंग स्टेट। जब केंद्र सरकार का ये स्टैंड है, तो आपको जो बार बार मिथ्या प्रचार किया गया है एक महीने से, क्या ये इतना बड़ा झूठ नहीं है जिसको एक्सपोज करना चाहिए? कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों ने कहा था कि रेलवे या तो मुफ्त सेवा दे रही है या फिर 85% किराए का भुगतान कर रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि 85% रेलवे का किराया रेल विभाग ने दिया है और 15% राज्यों ने वहन किया। ऐसे में कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि सरकार का कोर्ट में राज्यों की ओर से 100% खर्च वहन का दावा कैसे गलत हो सकता है। तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली।